अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं, कैसे गर्मी को गुजार रहे हैं? ज़बरदस्ती आज तो बड़ी अच्छी खासी गर्मी है। अच्छा, तो गर्मी को तो डिस्कस बाद में भी करते रहेंगे, इसमें बढ़नी ही है आगे, अब गुजारना ही है, तो ऑब्वियसली गुजारेंगे इस गर्मी को सुकून से। कौन से कैसे कपड़े नॉर्मली पहने और फिर खाने, तमाम चीज़ें, मसाला है आपको गाइड करने के लिए, गाइड करता रहेगा ना सिर्फ के किचन एंड बाकी चीज़ों के ऊपर भी कोशिश होती है अच्छी अच्छी से बात करते रहें। अच्छा, वीकेंड्स के बारे में बात करें, ओ हो वीकेंड के बारे में बात करते हैं। लास्ट जो हमारा वीकेंड रहा और लाहौर में थे, एक्सपो सेंटर, मसाला फैमिली फेस्टिवल, हर बार की तरह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, क्योंकि इतनी अच्छी मेमोरीज हम वहाँ से लेकर आते हैं, ऑलरेडी बेतहाशा खुश होते हैं आप लोगों से मुलाकात करके, जितने लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं। अच्छा, मैं कराची की गर्मी की बात कर रही हूँ ना, लाहौर में भी ठीक ठाक गर्मी थी। जब हम यहाँ से कराची से जब हम लाहौर गए थे तो कराची में इतनी गर्मी दिन में नहीं हो रही थी। जैसे ही हमने लैंड किया, हमने कहा माय गॉड, लाहौर में अच्छी खासी गर्मी है। और जिस दिन फेस्टिवल था, फिर नेक्स्ट डे फेस्टिवल था, तो धूप में शदीद तरीन गर्मी भी लग रही थी और उसी धूप में हम तैयार होके खड़े थे। लेकिन ये तो हम थे, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, तो लाहौर वालों एंड लाहौर नहीं बल्कि पूरा पंजाब, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, उस गर्मी में भी आने के लिए और इंजॉय करने के लिए, हमसे मिलने के लिए, आपके आप बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई छोटा वर्ड होता है थैंक यू, लेकिन हम शुक्रिया के अलावा हमारे पास अल्फाज नहीं होते। बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, सराहाते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं और आते हैं हमारे लिए मिलने के लिए, और दो दिन बकायदा पूरे निकालते हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो एक दिन नहीं बल्कि दोनों दिन आए हुए थे। एक का मुझे बहुत अच्छे से वो याद है कि उसने मुझे कहा, अच्छा इंडोर जब हमारी तो हाउस ऑफ मसाला, वहाँ इंडोर भी एक्टिविटी हो रही होती, जब मैं वहाँ गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, चूमा मुझे, एक खातून है, और मुझे कहती है कि मैं आपको, जब मैं पहले एक चैनल पर काम करती थी, कह रही मैं जब से देख रही हूँ, जब से मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं कभी अबील से मिलूँ, और वो मिली, तो यकीन करें मुझे इतना अजीब सा लगा। मैंने कहा माय गॉड, सीरियसली मैं अपने आप को इतना नहीं समझती, ये आप, हम इतना एक्चुअली डिज़र्व नहीं करते जितनी मोहब्बत आप दे रहे होते हैं। तो जिस तरह से मुझसे मिली थी, सीरियसली मुझे बाद में एकदम से फील होता रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई हम लोग इतना मायने रखते हैं आप लोगों के लिए, कितने सालों से आप इंतज़ार कर रही थी और फिर मुलाकात हुई, तो क्या फीलिंग्स थी, कितनी एक्साइटमेंट थी। तो थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ़ यू, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो कुछ बातें थी जो मैंने शेयर की, बहुत सारी और बहुत सारी बातें जो कि हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी मैं आपा की तरफ सुनती हूँ, ज़रा सुने हाल दिल उनका भी कि वो क्या क्या सुनाती हैं आज आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आ गई लाहौर से? नहीं, तो नहीं आई अभी। कैसी है, कैसा रहा लाहौर? लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ। बड़ा इंजॉय करते हैं हम लोग वहाँ पर जाते हैं, लोगों की मोहब्बत और प्यार को संभालना बड़ा ही को बाज़त मुश्किल सा हो जाता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी दूर दूर से लोग, साहिवाल से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, सियालकोट से, झेलम से, जी बहुत लोग आए हुए थे। यही ना, हम कहते हैं होता तो लाहौर में, लेकिन ओवरऑल पंजाब कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं जरूर। तो बात करते हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे और हमारा प्रोग्राम लज्जत देख रहे होंगे। बिल्कुल जनाब, हम लोग लाहौर गए, लाहौर में बहुत ज़बरदस्त सा फेस्टिवल था, जो आपको पता ही है कि हमेशा से हर साल होता है, लेकिन इस साल दो साल के बाद हुआ क्योंकि कोविड की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो लगा कि जैसे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, और लोगों का वही जोश व खरोश, वही मिलना मिलाना और वही खाना पीना, बहुत माशाल्लाह, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ आए हुए थे लोग। तो बहरहाल जैसे अबीन ने कहा कि छोटा सा लफ्ज़ है थैंक यू, तो मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप तमाम लोगों का, लेकिन उससे भी बढ़कर आप तमाम लोगों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, जो लोग हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आए, बैठे रहे, रात गए तक बैठे रहे, कॉन्सर्ट देखा, तमाम चीज़ें की, और बहुत ही अच्छा लगता है। और कहीं पे भी को कमी बेशी रहेगी तो उसके लिए हम सब आपसे माजत खा हैं, क्योंकि आप लोग आते हैं मेहनत से, प्यार से, हमारी ही खातिर। तो हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा हो गया तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा आप। हाँ। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे, जो कि आज हम बना रहे हैं बहुत ही गर्मियों की एक डिश बना रहे हैं, पालक पकौड़ा कड़ी बनाएंगे। इसके अलावा सब्जियों का यखनी पुलाव बनेगा, चॉकलेट सूजी हलवा बनेगा। तो चलते हैं, बहुत ही भरपूर हमारी रेसिपीज हैं। हाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम, अच्छा एक तो मैंने भाई यखनी पुलाव के लिए मैंने यखनी बनानी शुरू कर दी। हाँ। वो आपको बता दूंगी कि कैसे बनी, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सुपर एशिया का ज़बरदस्त सा हमारे पास ये ब्लेंडर मौजूद है, तो पहले हम एक काम करते हैं कि कड़ी का बेस बना लेते हैं, और साथ ही यहाँ पर पैन को गर्म होने रख देते हैं ताकि हम उसमें अपनी कड़ी जो है वो तैयार करें।
इसको भी हम गर्म करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, वो भी तकरीबन आधा कप, ठीक है ना। यहाँ इसको होने देती हूँ मैं गर्म। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएसडी ट्रीटेड, हमेशा हम बताते हैं डबल रिफाइंड गारंटीड, यूएसडी ट्रीटेड हम सब जाते हैं, अल्ट्रा हीट ट्रीटेड होता है ताकि आप तक पहुँचे सेफ, अच्छा, हेल्दी, ज़बरदस्त सा ऑयल, सेहत भी हो और जायका और लज़्ज़त भी मिलती है। अच्छा, यहाँ पर हम जो कड़ी का मिक्सचर बना रहे हैं ये तो बन रहा है, लेकिन साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप तेल डाला और उसमें मैं डालूंगी ये थोड़ी सी मेथी दाना, तकरीबन हाफ अ टीस्पून, क्योंकि इसको हमें बहुत अच्छा कुक करना है तो इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया। अब कड़ी में अमूमन ऐसा होता है कि बेसन का मसला होता है कि बेसन सही नहीं डाला है। सुपर ईशा के ज़बरदस्त से इस ब्लेंडर के अंदर मैं डालूंगी 5 टेबल स्पून, देखें आप भर के डाल रही हूँ मैं, 3, 4 और ये 5, 3/4 कप के करीब मेरे पास ये बेसन है और पहला वाला स्पून थोड़ा सा कम था तो इसलिए मैंने थोड़ा और डाल दिया। इसमें डालेंगे पानी, पानी डालेंगे हम इतना कि थोड़ा सा अच्छा सा ही मिक्स हो जाए। डालिए अभी, चले जी ये चला गया, और डाल और डालिए, पूरा डाल दीजिए, सही है जी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, जी जी है, चाहिए तो मुझे और, लेकिन अभी इससे हम गुजारा करेंगे। एशिया का ज़बरदस्त सा स्टैंड ब्लेंडर जिसमें हम ब्लेंड कर रहे हैं, शार्प ब्लेड जिसके बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ किचन इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइसेस की वैरायटी आप लोगों को सुपर एशिया ने दे दी है ताकि आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होना चाहिए, जो आपका लॉन्ग टाइम साथ देते हैं और वन टाइम ही आप परचेज करें एंड देन आप पूरी ज़िंदगी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कारामद है, बहुत देर तक आपका साथ देते हैं, मशीन भी अच्छी है, शार्प ब्लेड्स हैं, इजी टू हैंडल, इजी टू वॉश, तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक किचन अप्लाइंसेस की ज़रूरत हो, ना सिर्फ के किचन बल्कि होम जो भी अप्लाइंसेस आपको चाहिए तो सुपर एशिया का ही इंतखाब कीजिए। ठीक ठीक ठीक, आधा कप तेल जो हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल की थी मेथी दाना, इसके अलावा ये लहसुन है, अच्छा 5 से 6 आपने साबुत लाल मिर्चें भी डालनी है, ये गया लहसुन, ठीक है, कड़ी में लहसुन का मज़ा जो है वो ज़बरदस्त आता है। ये हो रहा है, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे और क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास प्याज रखी हुई, एक दरमियाने साइज़ की आप प्याज लेंगे, उसको आपने पीस लेना है। अब ये है लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है, और इसके अलावा हम इसे मिर्चें और हल्दी शामिल करके मसाले को भून लेंगे। नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, वरना क्या होता है कि नमक की वजह से कभी कभी दही आपका कर्डल हो जाता है। यहाँ पर 1/2 kg हमारे पास दही था, उसमें हमने 5 टेबल स्पून भर के हमने शामिल किया बेसन, सही है जी, शामिल करके हमने इसको पानी डाल के सुपर एशिया के ज़बरदस्त से ब्लेंडर में हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अब ये मसाला हम अच्छा सा भून रहे हैं, ठीक है, तो बाकी हम इसमें क्या कुछ डालते हैं, डालेंगे मिर्चें। अब मिर्चें तो आपका जितना दिल चाहता है उस हिसाब से डालें, लेकिन इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून और हल्दी डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून के ही करीब है ये हल्दी, ये चलेगी। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे मसाले को, वैसे तो ऐसा जिसमें इतनी कोई ख़ास भूनने की चीज़ नहीं है। मैं जो कड़ी बनाती हूँ, मैं कहती हूँ कड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 to 1 घंटे तक पकाएं, इससे ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं, वरना क्या होता है दही जो होता है उसका उसका एक अच्छा सा जो मॉइस्चर होता है वो, और फिर दूसरी बात उसकी जो फैट है वो रिलीज हो जाती है और आपकी कड़ी जो है ना थोड़ी सी रूखी हो जाती है ना। पहले हम भी बनाते थे अभी वही 3-3, 4-4 घंटे कड़ी पकाई जाती थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बेहद आसान तरीका। इसके जो हम पकौड़े बनाएंगे ना उसमें हम डालेंगे पालक, पालक कैसे डालेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर ये देखिए जी मसाला ये ऑलमोस्ट हो गया, कितना बेहतरीन सा। अभी इसे मैंने नमक नहीं डाला है, नमक मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी, तो हम ब्रेक लेंगे, बिल्कुल ब्रेक ले लें, मैं साथ ही इसको ऐड कर देती हूँ। चलें ये मैं ऐड करती हूँ, अभी मुझे पानी और चाहिए होगा ये गैस के अंदर, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी और डालें चलें इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हमें चलाना है, जब हल्की सी इसमें थिकनेस आनी शुरू हो जाए, बॉयल आ जाए, बस ओके चलें ये गया इसके अंदर पानी, अब ये पकता रहेगा। मैं इसको 1/2 आवर से ज़्यादा तकरीबन 40 मिनट पकाऊंगी, फिर बनेंगे इसके पकौड़े शानदार से। कैसे बनेंगे वो अभी नहीं बताएंगे, इसके लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये है पालक के ज़बरदस्त से पकौड़ों वाली कड़ी, जो कि थोड़ा हटके है, अब ज़्यादा घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, आप कड़ी इतनी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बना सकते हैं कुछ ही मिनट्स में। कैसे समीना आपा हैं, आपको हर मुश्किल का आसान मिनटों में कैसे हल किया जा सकता है वो बताएंगे। एंड अब हमारे कॉलर्स, उनसे भी बहुत सारी बातें करनी है, इतने दिन का इंतज़ार हो गया है, अब ज़रा कॉलर्स को भी टाइम देते हैं, बातें सुनते हैं, आप लोगों की भी बहुत सारी रेसिपीज की भी डिटेल, यानी बहुत कुछ है, लेकिन अभी है टाइम ब्रेक का और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
बैक और यहाँ पर बड़ी मजेदार सी कड़ी बन रही है और मैं देख रही थी इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना पालक पकौड़ा कड़ी। ठीक है जी, इसका ये बेस तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे इसके लिए पकौड़े। इसके लिए अब पकौड़े तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन तकरीबन 1 से 1.25 कप आपने लेना है बेसन। ये बेसन है, इसमें डालेंगे हम पालक। पालक 1 कप के करीब आपने पालक ले लिया, बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके अलावा डालेंगे इसके अंदर ये चॉप की हुई प्याज 1 अदद छोटे साइज़ की। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा, कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा डालेंगे हरी मिर्चें, ये गई, और अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून अजवाइन डाल दी मैंने इसके अंदर। मीठा सोडा जो पकौड़ों को थोड़ा सा ज़बरदस्त सा बनाने के लिए, हम इसमें शामिल करेंगे ये देखिए जी 1/4 टीस्पून ये मैंने शामिल कर दिया। अब बारी है इसमें नमक मिर्च मसालों की। नमक मिर्च मसाले डालेंगे इसके अंदर। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून सही रहेगा। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, ये इसमें हो गई कंप्लीट। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसके शानदार से पकौड़े बनाएंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे। लेकिन पकौड़े अभी नहीं बनाएंगे, लास्ट ब्रेक में हम एक काम ये करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी जो बनाएंगे सब्जियों का यखनी पुलाव। वो कैसे बनेगा? अब यखनी कैसे बनेगी? यखनी बस मैंने पहले से बना ली, उसकी वजह थी कि टाइम नहीं था इतना। और यखनी को थोड़ा अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 कप डाला है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, अच्छा इसमें हम शामिल करेंगे 1 प्याज। जब तक प्याज होगी मैं आपको बाकी चीज़ें बता दूंगी। आप ये प्याज ये भी बताइएगा हम कॉलर कब लें। बिल्कुल, अच्छा इसको हम प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यखनी बना ली। यखनी किस तरह से बनानी, इसमें देखें तमाम चीज़ें हैं। इसमें एक या दो आप टमाटर ले लीजिए। ठीक है, ये देखें टमाटर से पड़े, प्याज है, लहसुन है साबुत, इसके क्रश किया हुआ। इसके अलावा हमने इसमें साबुत गरम मसाला, तमाम चीज़ें डाली। और पहले हमने एक काम ये किया कि हमने 2 टेबलस्पून हमने तेल गरम किया, उसमें प्याज टमाटर लहसुन और साबुत गरम मसाले को हल्का सा सौते कर लिया। फिर इसमें नमक और सौंफ शामिल करिए। सौंफ जहर आपको पता है पुलाव की खुशबू होती है, ये डाल के इसको हमने पकाया। इसको कम से कम 1/2 आवर तक कुक कीजिएगा, ये देखिए जी बेहतरीन हो गया। अब इसको छान के हम इसमें शामिल करें, थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही ये होगी प्याज होगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि है 1.5 टेबलस्पून। ठीक है, ये डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे सफ़ेद मिर्च, और इसमें जो हम सब्जियाँ इस्तेमाल करें, आलू मैंने बॉईल कर लिए, लेकिन बाकी मुझे बड़ी आसानी हो गई कि मेरे पास यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल मौजूद है फ्रेश स्टीट की, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आप भी लेकर आइए, आपके फ्रीज़र में होंगी तो आज ही आप बना सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत आसानी। अच्छा ये हो रहा है, अभी ज़रा सा बस इसको और होने देती हूँ, और डालेंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि 1.5 टेबलस्पून है। साथ ही सफ़ेद मिर्च, दही से मसाला भून लेंगे, फिर ये खोल के शामिल कर देंगे इसमें। हरी मिर्च आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें मत डालें, इट्स अप टू यू। कॉलर ले लें, आप ले लीजिए, भाई अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ साथ देखते भी चाहते हैं आसिया जी हमारे साथ लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो नहीं आसिया जी, कहाँ हैं आप? मुझे आवाज़ नहीं आ रही कि वाकई है नहीं है। अच्छा जी, ये कोई बात नहीं, दोबारा प्लीज कॉल कीजिए। हम डाल रहे हैं इसमें 1/4 टीस्पून के करीब हमने सफ़ेद लाल मिर्च शामिल किए। जायफल और जावित्री का पाउडर ये जाएगा इसमें, ये देखिए जी 1/4 टीस्पून। और डालेंगे इसमें दही। दही डाल के हम मसाले को ना अच्छे से भून लेंगे। ये क्या दही है 1/2 कप, सही है। इसको मिक्स करते हैं, मिक्स। और फिर हम क्या करेंगे कि ये वेजिटेबल्स जो है मैं खोल लेती हूँ। फ्रेश स्वीट की ज़बरदस्त ये मिक्स वेजिटेबल, जहाँ कटिंग चॉपिंग सफाई और बहुत सारे कामों से आसानी आप लोगों को मिल गई, अब मिस नहीं होगा। फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन बेरीज, फ्रोजन मिक्स फ्रूट, ये तमाम अवेलेबल है जो कि फ्रेश स्वीट में, ना सिर्फ के ये बल्कि सॉसेस, सिरप्स, डिप्स और वैरायटी ऑफ डिजर्ट्स की आप लोगों को सिर्फ देकर आपकी लाइफ आसान कर दी है फ्रेश स्वीट ने, जो कि हाउस ऑफ सामरा
क्या एक ज़बरदस्त सही ब्रांड है फ्रेश फीट, और इसके साथ साथ सिब्लू, ऑल द गुडनेस ऑफ सी। जब सी फूड की अच्छी क्रेविंग हो तो आपके पास सिब्लू होना चाहिए, जो जहाँ आपको ढेर सारी वैरायटी आपको देकर आपके लिए आसानी करती है। चले जी, मैं दो तीन इसमें हरी मिर्च डालें, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना डालें, ठीक है मैं डालूँ। इसके बाद ये गए इसमें आलू, ठीक है, एक बड़े साइज़ का या दो मीडियम साइज़ के आलू कच्चे और नहीं पके हुए बॉयल हुए, और ये सब्ज़ियाँ बेहतरीन सी कलरफुल सी, इसमें कॉर्नस हैं, मटर हैं, बीन्स हैं, गाजर है, ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे। मैंने हाफ पैकेट इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, पानी डालेंगे ये यखनी जो मेरे पास रखी हुई है। अब यखनी मैं छान लेती हूँ ताकि आप देख सकें कि यखनी कैसी है। आप देखिए, बाकी कोई नहीं चाहिए आइटम, नहीं इसका। कोई इसका हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसीलिए मैंने इसको पहले रख दिया था ताकि ये अच्छा, ये देखें आपने कितनी अच्छी सी जूसेस हैं ये इसके अंदर आ गए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है सौंफ की। तेज पत्ता चाहे तो आप निकाल के इसमें डाल सकते हैं, जो मैंने दिखता हुआ भी अच्छा। सही, ठीक है जी, आपा जी इजाज़त। किस बात की? एक ही इजाज़त, एक चले मैं काम करती हूँ कि ये यखनी जो है ये डालूँगी इसके अंदर, ठीक है ये मैंने डाल दी। अब जैसे ही अच्छा सा इसमें उबाला गया, दो मिनट के बाद ये मैं चावल, इसमें मेरे पास हाफ के जी राइस है भीगे हुए हैं, वो इसमें डालूँगी और इसको दम पे रख दूँगी। ठीक है, डन डन, ओके डन हो गया। तो यखनी जो कि सब्जियों की यखनी बनाई थी, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उबाल आने का इंतज़ार है, और फिर उसके बाद ये भीगे हुए राइस इसमें चले जाएंगे, और फिर जाके तैयार होगा दम पर जाने के बाद सब्जियों का यखनी पुलाव, जो कि ख़ास और बहुत ही मज़ेदार सा है। इसकी डिटेल शेयर करेंगे साथ साथ, मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा फिर अपनी रेसिपीज पर आएंगे, लेकिन अभी के लिए ब्रेक है, एंजॉय करते हैं आपको। यहाँ पर पकौड़ों की पालक तैयारी हुई, तैयारी अच्छा, हो रही कड़ी है। कड़ी जो है वो हमने शिफ्ट कर दी है, चावल देखें ये जी हमारे, मैं दिखा देती हूँ, तो तीन चूल्हों में काम नहीं है, बस दम हो गए, दम होने के लिए चले गए हैं। यहाँ पर मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया, जो बनेगा चॉकलेट सूजी हलवा। इसके लिए क्या कुछ चाहिएगा, इसमें अब हमें चाहिएगा यहाँ पर फौजी बनस्पति, ठीक है जी, ये मैं लूँगी, बहुत ही शानदार सा हलवा है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए जी, ये फौजी बनस्पति, वीटी बनस्पति दानेदार है, खुशबूदार है, जायकेदार है, एंड सबसे बड़ी बात जीरो कोलेस्ट्रॉल, यानी 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है जी। अच्छा, इसमें जाएगी ये एक कप सूजी, हमने कुछ कोई इलायची नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, इसमें डाल दी, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अभी आप आइए भूनने का काम, ठीक है ना जी, जी। थोड़ा सा इसको आप भून लीजिए। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक कप चीनी जाएगी, कोको पाउडर डालेंगे, चॉकलेट डालेंगे, कैसे डालेंगे सब आप देखते रहिए बस, कि कितना ज़बरदस्त सा ये हलवा बनने जा रहा है। अब मैं यहाँ पर कड़ी के जो पकौड़े हैं, मैं तो हाथ से डालती हूँ, इट्स अप टू यू कि आप कैसे डालते हैं, लेकिन मुझे हाथ से समझ आ रहे होते हैं। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कितनी, बहुत ज़्यादा आपने ना गाढ़ा रखना है ना बहुत पतला, ठीक है, ये बनाइएगा आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मैं डाल दूंगी तो फिर उस पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं। अच्छा आपा, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो आपने वो यखनी डाली थी, हाँ, और फिर उसके बाद हमने यखनी में जैसे ही बॉईल आया तो चावल डाल दिए, बस चावल ऐड कर दिए, दैट्स इट, और फिर ये दम पे चला गया, अभी दम पे चले गए, ठीक है ना, बस स्लो हीट पे, हाँ बस कुछ ऐड नहीं किया हमने उसमें, सब चीज़ें तो हम ऐड कर चुके थे। अच्छा, कड़ी जब आपकी गर्म हो, दूसरी साइड पर पक रही हो, तभी आप उसमें पकौड़े शामिल कर दें तो ये बेहतरीन रहेगी। ठीक है, ये पकौड़े हो रहे हैं हमारे, और मैं अब आ जाती हूँ उधर। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ में आ रही तो काइंडली आप प्रोग्राम रिपीट में ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग जो है कोई चीज़ मिस ना करें, ताकि हर कुछ आप बनाएं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी एक कप दूध, ठीक है, आँच को हमने तेज़ कर दिया, यहाँ पे पकौड़े भी हो रहे हैं। अच्छा, पकौड़े हाँ हो रहे हैं, कुछ चूल्हों की आँच ऐसा लगता है कि कम हो गई है मेरे लिए, जितनी स्पीड इनकी है तो चूल्हे की तो स्पीड को कुछ वैल्यू नहीं रहती है ना, कहते नहीं ये तो उसी हमारे जो है बहुत अच्छा कलर आया, और आप इसमें देखिए फ्रेश स्वीट की मिक्स वेजिटेबल्स जो है ना वो इतनी खिली खिली सी खूबसूरत सी लग रही है। चलें जी, ये हो गया, इसको हमें हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको भूनना नहीं है, बस इतना कि कच्चापन इसका दूर हो जाए। ये हो गया, अब इसमें डालेंगे हम दूध, दूध है हमारे पास यहाँ पर ये एक कप दूध, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, आधा कप पानी, पानी और चाहिए आपको? हाँ चले जी, ये कैसा पानी जग में, आपके जग में डालिए। अच्छा, इसी के साथ जी डालिए, इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चीनी,
जो कि है ये एक कप, ठीक है, डालिएगा थोड़ा सा डालिए बस, ठीक है जी, ये चलिए इसके अंदर उसको हम मिक्स कर देते हैं। और साथ ही कोको पाउडर, कोको पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, किसी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा ताकि अच्छा सा फ्लेवर चॉकलेट का, ये देखा आपने, वाह ये हलवा बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। कोकोनट, अच्छा इसमें डालेंगे हम, लेकिन आधा हमें अभी डाल रही हूँ ये गैस में, हाफ डाल देते हैं, कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये है पिघली हुई चॉकलेट, जो चॉकलेट सूजी हलवा है ना, ये गैस में 2 टेबलस्पून मेल्टेड चॉकलेट, ठीक है जी, हो गया ना मज़े का। हाँ, अब इसको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको दम पे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद गार्निश करेंगे। जानोगे जब तक हम कॉलर से बात, बिल्कुल आप कीजिए, मैं इसको कवर कर देती हूँ। क्या नाम बताया इमरान आपने? हालू जी, अस्सलाम वालेकुम। जवीर जी फ्रॉम कराची, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अभी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा थैंक यू आपने हाइट के लिए मेरी बेटी के बारे में इतना खुलूस है उससे बताया अल्लाह ताला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सब करी, अगर इंक्रीज होगा तो आप बहुत ही दुआओं में, मैं आपको दुआ दूंगी कि आपने इतनी डिटेल में मुझे बताया। थैंक यू, बहुत जज़ा करना। हाँ अब याद आ गया मुझे कि आपने पूछा हुआ था। जी जी जी, आप मेरा नाम भूल गई थी। हाँ अब याद रखूंगी। सही है और समीना आपा से मुझे बात करनी है। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी है समीना आपा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मजे में, आप बताइए। अभी मैं ताज़ा ताज़ा लाहौर से आई हूँ ना, तो बहुत मजे में हूँ। जी मजा आया वहाँ आपको? मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। तो ये आप लोग जो कॉल नहीं उठा रहे थे यही वजह थी? बस यही वजह थी, हम तो लाहौर, हमारा पूरा ऑफिस लाहौर गया हुआ था, बस कोई था ही नहीं यहाँ पर। अच्छा मैं ये पूछ रही थी कि रमजान के हिसाब से आप सोया सॉस जो चिल्ली सॉस है वो घर में बनाना बताएं, के ऊपर जरूर बात कर सकते हैं। लेकिन जरा सोया सॉस का ये कि कुछ बेचारे जो बाजार में लोग हैं जो अपनी दुकानें लेके बैठे हैं उनके लिए भी तो कुछ छोड़े हम, खुली रहने है ना। सोया सॉस तो वैसे कॉमनली इजीली मिल जाता है, वैरायटी ऑफ सॉसेस के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे हम हमारी जो इफ्तार में हमें चटनियाँ चाहिए होती है बहुत तरह की, वो कैसे बना सकते हैं वो आपस हम सीखेंगे। अच्छा अब ये देख रहे हैं सो मच, पकौड़े हमारे ज़बरदस्त से ये हो चुके हैं, तो ये मैं पकौड़े जो है गर्मा गर्म कड़ी अभी मंगाती हूँ, और जब आप अगले ब्रेक में आएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी कड़ी जो है, मैं पकौड़े जो है वो जा चुके होंगे। ये देखें बस, सिर्फ और सिर्फ हमने पकौड़े डालने हैं। बनेगा बघार, बघार के क्या इन्ग्रीडियंट है वो आपको बताती हूँ, सावत लाल मिर्च है इसका। अच्छा मैं जो है ना कड़ी जो है वनस्पति से बघार करती हूँ, ठीक है, आपका जिसमें दिल चाहे, सरसों के तेल में चाहे, जिसमें दिल चाहे कीजिए, लेकिन ये बड़ी मज़ेदार खुशबूदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो एक काम करते हैं आप ब्रेक लेते हैं, फिर जब ब्रेक ले लें आएंगे तो आपने पकौड़े सारे रेडी कर दिए होंगे और उस गर्मा गर्म पकती हुई कड़ी के अंदर भी डाल चुकी होंगी। डाल चुकी होंगी, बिल्कुल डाल चुकी, ठीक है मैं फौरन डाल दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है ओके। मैं बाकी के पकौड़े, सब्जियों का यखनी पुलाव वो दम पर है, साथ में चॉकलेट सूजी का हलवा जबरदस्त सा वो भी हो रहा है। हाउस ऑफ समरा के बारे में बताते चले, जहां पर सिब्लू ऑल द गुडनेस ऑफ सी, जब सी फूड की हो खूब क्रेविंग तो आपके पास सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, जहां आपको बहुत काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रेडेड भी एंड रेडी टू कुक सारा आइटम उन्होंने आपको दे दिया है। गेस्ट आ जाए तो उनके सामने स्नैक्स के तौर पर, स्टार्टर के तौर पर बहुत सारे प्रॉन्स श्रिम्स और इसके साथ साथ फिश की वैरायटी आप लेकर आ सकते हैं, और इसके साथ साथ रॉ फॉर्म में भी है, बेस्ट क्वालिटी की बेहतरीन सी, जिसे आप घर लाइए, जो रेसिपी दिल करता है वैरायटी ऑफ रेसिपीज क्रिएट करते जाए और इंजॉय करते जाए। आइसक्रीम्स की इतनी वैरायटी दी, यानी आपको स्मूदी, डिजर्ट्स और इस तरह की जब चाहिए कुछ भी आपका दिल करे तो यहाँ पर बॉन बॉन डैंडी आइसक्रीम है, हिल्स एंड विल्स की आइसक्रीम है, जहाँ फ्लेवर्स इन्होंने जितने दिए मेरा नहीं ख्याल किसी और ब्रांड ने दिया होगा। तो जी इंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को आसान कीजिए और मज़े मज़े के हेल्दी और मज़े की चीज़ें ट्राई करते रहें। फिर आगे हमारी रेसिपीज में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक भगार का काम रह गया, वो शेयर करेंगे ना इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और यहाँ पर हलवा रेडी हो गया है, वो दिखाते हैं, थोड़ा सा इंतजार करें, मैं तो ट्राई भी कर लिया, बहुत मजे का है, और बताएंगे डिटेल अभी, देखें अब क्या हो रहा अच्छा, है। अब आप देखें कड़ी की कंसिस्टेंसी ना ये होना चाहिए। लास्ट में मैंने इसमें नमक शामिल किया क्योंकि नमक हमने शामिल नहीं किया था, सही है। अच्छा चूंकि मैंने पकौड़े अभी भी डाले ताज़े हैं तो थोड़ा सा ये और अपने अंदर जज्ब करेगी कड़ी अपने इसको, तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। तो आपा कितनी देर छोड़ें पकौड़े डालकर? सिर्फ 10 मिनट, लेकिन आपने इतनी देर पकाना नहीं है, तेज़ आँच पे, पता चला कि बिल्कुल ही पकौड़े टूट टाट गए। आप ये देखें कितने बेहतरीन से पकौड़े जो है तैयार हो गए,
बेहतरीन। मैंने कहा ही गर्मियों की रेसिपी तैयार। हाँ, मैंने कहा पहला दिन गर्मी का ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, बस कड़ी बन गई, सबको दिल करेगा कड़ी देख के। अच्छा आप ये बताइए, आपको कड़ी कैसे अच्छी लगती है, रोटी के साथ या चावल के साथ? वैसे मुझे तो चावल के साथ तो अच्छी लगती अच्छा। है, लेकिन चावल भी मैं कड़ी ऐसे खाती हूँ कि अगला बंदा सोचेगा कि आप पी लें से बेहतर है। मतलब अगर मैंने एक बोल लिया है, मैं प्लेट में नहीं राइस लेती हूँ, मैं बोल लेती हूँ और उसके अंदर इतने exactly. राइस होंगे, इतनी सारी कड़ी होगी। हाँ, तो वो बहुत लिक्विड करके ऐसे वाला। चलिए देखा आपने, मैंने कितनी, अब देखें ये कितनी बहुत सारी हाफ के जी के अंदर हमने कड़ी तैयार कर ली है। इसका बनाते हैं बेहतरीन साथ तड़का। इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये है प्याज, ठीक है, फौजी बनास्पति, फौजी बनास्पति में मैंने डाली है। इसके अलावा ये क्रश किया हुआ लहसुन, लहसुन की इसमें बहुत अच्छी आती है ये गया इसके अंदर। साबुत लाल मिर्चें कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है तो इसलिए मैंने ये डाली है। ये डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ी सी डंडी तोड़ दें, ना तोड़ें, चलें कुछ की डाल देते हैं, कुछ की निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये हो रही है, जैसे ही हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते भरपूर अंदाज में। 8-10 मेरे पास कड़ी पत्ते यहाँ पे मौजूद हैं, और डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। अब आपने देखा कि आपको एक होता है ना कि कड़ी पकाना, ओहो बहुत टाइम लगेगा, पूरा दिन लग जाएगा पकाते पकाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कड़ी बनाना बहुत आसान काम है। ये क्या, वैसे कड़ी सोच के लगता है वो गर्मी इतनी है, गर्मी की रेसिपी, लेकिन लंदी कितनी है। नहीं, आपा ने तो बड़ा झटपट तैयार कर, और आप खा के देखिए बहुत मज़े की आपको लगेगी। ये क्या इसके अंदर कड़ी पत्ता, ये क्या इसमें ज़ीरा, ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है बेहतरीन सा। चलें जी अब ये डालेंगे इसके ऊपर, ज़बरदस्त सा एक मज़े का अरोमा आ रहा है, कड़कड़ाता हुआ भगार गया इस मज़ेदार सी कड़ी पर आपके सामने। एंजॉय कीजिए, गर्मी आ गई है जी, और रमज़ान से पहले तो एक दफ़ा भी बना लीजिएगा आप लोग। हाँ, क्योंकि रमज़ान में तो ज़ाहिर ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, तो रमज़ान से पहले ज़रूर आप बनाइएगा और डालेंगे। रमज़ान में ऑलरेडी इतने पकौड़े खा रहे हैं, कड़ी बना के क्या करेंगे। नहीं, ज़ाहिर ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं खाई जाती। अब डालेंगे इस पर थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने 2-3 पकौड़े रखे जो हम बाद में एंजॉय करेंगे। ये गया इसमें। वैसे मैं तो देख लिया था, मुझे पता, मैंने कहा है ना। हाँ, ये दही हमारे पकौड़े खाने आ रहे हैं। चले जी, गया हरा धनिया। अच्छा, थोड़ा सा अगर पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे तो बेहतरीन रहेगा, कड़ी पे बहुत अच्छा लगता है। वैसे कि आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छा लगता है। ये हो गई। चले जी, एक काम करती हूँ मैं, ज़रा सा ये भी दिखा देती हूँ। वैसे नो डाउट मुझे कड़ी बनाने का आपका अंदाज़ अच्छा लगा, बहुत जल्दी बनाई है और बेहतरीन बनी है, कंसिस्टेंसी भी बेहतरीन है। बेहतरीन क्या होता है, बहुत पतली हो गई या बहुत थिक हो गई, मैं आपको बता रही हूँ। आप आँख बंद करके बनाएं, 1/2 kg दही में 5 tablespoons भर के, यानी 3/4 cup आप अगर बेसन डालेंगे तो इंतहाई परफेक्ट बनेगी। एक से 1.5 liter उसमें पानी डालें, अच्छे से मिक्स करें और फिर आप बनाइए। बघार करके जब आप कड़ी बनाते हैं तो वो कड़ी जो है वो जल्दी भी तैयार हो जाती, क्योंकि मसाला तो भुना हुआ है, इसी जल्दी तैयार होती है। चले जी, वाह, ये देख सकते हैं आप हमारा यखनी पुलाव, ये देखा आपने, ये देखा, ओए होए खुशबू आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त यखनी बनाइएगा इसी तरह से जैसे मैंने बताई। अब मैं इसको निकालूंगी और अंडों के साथ, बॉयल अंडों के साथ, जो मेरी बड़ी फेवरेट सी चीज़ है उसके साथ, अंडे फेवरेट नहीं है लेकिन इन चीज़ों के साथ अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। आप बनाइएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। अच्छा आपा, हमने हलवे में क्या किया? हलवे में हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको निकाला क्योंकि वो पक चुका था, उस पर हमने थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल और साथ ही उस पर क्रश किए हुए बादाम थोड़े से रोस्ट कर लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार है, वो डालें और उसको सर्व कर दिया। ये बनाइएगा, वैसे भी शबे बारात का वही ना, तरह से एक डिफरेंट सी चीज़ आप बनाइएगा, सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा बच्चे टूट के पड़े होंगे। ओह माय गॉड, चॉकलेट का मिल गया जी एक और रेसिपी, हलवा। अच्छा, ये आपने बड़ा बैलेंस इसके अंदर मीठा रखा है आपा, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ चॉकलेट का मज़े का फ्लेवर आ रहा है और मिठास ऐसी नहीं कि आप सोचें कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है। क्योंकि अगर 1 cup सूजी और 1 cup ही आप उसके अंदर चीनी डालेंगे तो बहुत ही बैलेंस रहेगा, क्योंकि चॉकलेट जो हमने इस्तेमाल की थी वो थोड़ी सी मीठी थी, यानी मेल्टेड चॉकलेट थी, और डालना था मैंने कोको पाउडर। कोको पाउडर मेरे पास अच्छे ब्रांड का था, तो थोड़ा सा बिटर साइड पे, लेकिन ये बहुत बैलेंस हो जाएगा जब आप उसके अंदर डालेंगी। कोकोनट का और चॉकलेट का तो आपको पता है फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं निकालती हूँ जल्दी से राइस। हाँ, आप क्या करेंगे? हम ब्रेक लेते हैं। चले, आप ब्रेक ले लीजिए साथ में। सांस दौड़ लगाई हुई थी आज आपा ने, अपने कहा छोड़ो तुम बोलती रहो जितना बोल, मैं काम करूँ जल्दी जल्दी। बहरहाल तो आपा फिर भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त हैं कि कहती हैं कुछ भी ला दो रेसिपी मैं ऐसे बना दूंगी 1 घंटे में और कोई टेंशन नहीं। तो 3 रेसिपीज यहाँ पर रेडी हुई, एक तरफ चॉकलेट का सूजी का ज़बरदस्त सा हलवा और साथ में यखनी का सब्जियों की यखनी का एक्चुअली पुलाव बना है और पालक पकौड़ा कड़ी, 3 हटके चेंज मज़े की देसी रेसिपीज़ हैं। तो इनका होने लगा है रिकैप। रिकैप देखें, ब्रेक ब्रेक होगा फिर ज्वाइन करते हैं आपको।
वेलकम बैक। और मुझे भी हंसी आ रही थी, मैं आपा को इतना तंग करती हूँ, मैं अपना पानी पी जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ आपा पानी चल रही थे तो बेचारी उनको तो नसीब होता नहीं है, उनके से कहीं पानी में पी जाती हूँ, मंगाना दूर की बात है, उनका भी ले लेती हूँ। खैर ये मैं उनको तंग करती रहती हूँ ऐसे ऐसे। हाँ तो भाई क्या बताने वाली थी, पानी मैंने इसलिए पिया क्योंकि मुझे इतनी मज़े की लगी, मैं चम्मच से ही डायरेक्ट जो है कड़ी खा रही थी। यहाँ पर मौजूद है आपा, जो एक्चुअल कड़ी में थोड़ी सी खट्टापन होना चाहिए वो, फिर साथ में सॉफ्टनेस है बहुत अच्छी पकौड़ों में, हालांकि आपा ने ज़्यादा देर पकौड़ों को नहीं छोड़ा, लेकिन वो सॉफ्ट भी है जिस तरह के होने चाहिए, भगार का एक मज़े का फ्लेवर, ओफ हो गए भाई ज़बरदस्त। थैंक यू आपा। अब मैं कुछ कहूँ? हाँ प्लीज। बोले बोले बोले। मैं आपको बताऊं कि पकौड़े अगर आप बहुत देर तक कड़ी के अंदर पकाएंगे ना, तो क्या होगा कि पकौड़े पक पके नरम होके उसमें फैल जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये कि पकौड़े ऐसे होने चाहिए कि जो लास्ट तक बिल्कुल ठहरे रहें, वरना क्या होता है कि फिर पकौड़े और कड़ी का जो मिक्सचर है उसका फ़र्क मालूम होना चाहिए, आपको खाते में फील होना चाहिए कि पकौड़े का फ्लेवर आ रहा है, पकौड़ा खा रहे हैं और साथ ही इसका जो मिक्सचर है वो खा रहे हैं। तो ज़बरदस्ती कड़ी तैयार है, आप बनाइएगा पालक डाल के, बहुत ही शानदार बनती है। लेकिन और इसको आप अच्छा और करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चिकन जो है वो भी डाल सकते हैं, किस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटें और इसके अंदर शामिल कर दें पकौड़े बनाते हुए, फिर बनाइएगा देखिए कितने अच्छे बनेंगे। लास्ट में हमने नमक डाला था, और अगर आप पकती हुई कड़ी में अगर आप पकौड़े डाल दें तो बहुत बेहतरीन रहते हैं, नरम रहते हैं पकौड़े। लेकिन डालने के फौरन बाद आप चूल्हा बंद कर दें, यानी कि आधा घंटे तक वो पक रही है। और आपने देखी रही, अभी आपको कहीं से लग रहा है कि कड़ी जो है वो हमने एक घंटे में पूरी तैयार करके बघार लगा दिए सर्व कर दिए, खिला भी दिया अलहम्दुलिल्लाह, इतनी बेहतरीन तैयार किए। और कोकोनट हलवा ज़रूर ट्राई करेगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी चॉकलेट लवर नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद आती इतनी चॉकलेट, लेकिन ये आपा ने बड़ा बैलेंस चॉकलेट का फ्लेवर, मीठा बैलेंस बेहतरीन है। अगर इस शबे बरात आप बनाना चाहें तो ये आप बना सकते हैं। हाँ। क्योंकि हटके है, चेंज है, मज़े का है। नहीं, जैसे आप 2-3 हलवे बनाते हैं, तो अगर आपने चने की दाल का हलवा बनाया तो साथ साथ बच्चों को खुश करने के लिए आप बना सकते हैं। बाउंटी का फ्लेवर आएगा इसमें, कोकोनट और चॉकलेट मिलके मजेदार सा। साथ में सब्जियों का यखनी पुलाव वो भी देखें, इंजॉय करें। यहाँ फ्रेश ट्रीज की मिक्स वेजिटेबल्स डाली थी जिससे कलर बेहतरीन है, फ्रेश कलर है और खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मसाले का कमाल तो आपा का है इसके अंदर, क्योंकि हमने देखिए यखनी जो बनाई थी ना कितनी बेहतरीन थी, आपको दिखने में बिल्कुल लग रहा हो जब हमने छाना तो लग रहा था ना कि यखनी है वो। और क्या क्या चीजें थी, प्याज था, लहसुन था, इसके अलावा उसके अंदर हमने टमाटर और साबुत गर्म मसाला शामिल, थोड़े से ऑयल में तमाम चीज़ों को सौते करें, पानी डाल के 1/2 घंटे तक कुक कर लें, फिर आप अच्छे से इसको मिक्स करें और छान लीजिए, फिर डालें तो चावल का मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो ये तो आपकी रमज़ान में भी काम आएगी जो। हाँ। आगे जो लोग इफ्तार के बाद प्रॉपर राइस की कोई रेसिपी चाहिए होती है। अच्छा, तो जैसे मुझे भी ना रमज़ान में रोटी समझ में नहीं आती क्योंकि मैं इतनी इफ्तार की शौकीन नहीं हूँ, मेरा तो खाने का ना, तो मुझे होता है चावल की कोई भी किस्म आना, तो ये तो एक ज़रूर पूरा घर खुशी से खा लेगा इंजॉय करके। तो ये तो हो गई आज की हमारी 3 लेंदी रेसिपीज जो कि आपा ने कहा कि जी 1 घंटे में भी आप बना सकते हैं अपने घर पर रहते हुए। कल क्या सिखा रही हैं? कल तो इतनी स्टाइल वाली रेसिपीज है, थोड़ा स्टाइल में रह के बताने वाली है ना सब। आपा ने कहा आज हो गया देसी देसी बहुत, अब थोड़ा जरा चेंज हो जाए। हनी सराशा विंग्स बन रहे हैं, साथ में थाई चिकन साते विद पीनट सॉस बन रहा है, और साथ में है थाई स्पाइसी डिपिंग सॉस। ओ माई गॉड, आपा बड़े स्टाइल वाली रेसिपीज आपने रखी। आपने थाई रेसिपीज हमेशा पसंद की जाती हैं, चाइनीज पसंद की जाती है, तो क्या थोड़ा चेंज होगा ना, ये रेसिपीज भी ऐसी हैं आप अपने रमजान में इसको बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात ये होती है, अच्छा देसी रेसिपीज को हम यूँ पसंद करते हैं, रोज़मर्रा के हमारे खानों में बनती भी हैं, और वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि हमारे किचन में मौजूद होती हैं। हम थाई और चाइनीज और ये वाली रेसिपीज में सोचते हैं वो कौन इतनी सॉसेज खरीदा के करेगा, लेकिन आपा वो सिलेक्टेड बेस्ट रेसिपीज लेकर आती हैं जो टेस्ट में भी अच्छी होती हैं और इनके सॉसेज और तमाम चीज़ें ईजिली मिल भी जाए, इतने महंगे भी ना हो, आपके बजट में भी। सही बात है, क्योंकि देखिए आजकल इतनी महंगाई है, चिकन इतनी महंगी हुई है, और अगर सॉसेस भी हम महंगे यूज़ करें, वैसे वंस हम कभी कर भी लेते हैं, ये मैं नहीं कह रही कि कभी मैंने नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मार्केट में या जितनी भी चीज़ें ऐसी इंग्रेडिएंट हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी ऐसा हो तो आप ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। चाहिए ठीक है, बस खुदा बस काफी हो गया, बस कल के बाकी कल के लिए छोड़ते हैं, कल मुलाकात करेंगे इन थाई रेसिपीज के साथ। आज की देसी देखिए और इंजॉय कीजिए और ट्राई कीजिए, दीजिए इजाजत, अल्लाह।